ये वीडियो उस वक्त का है जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष सेंट पीटर्सबर्ग में फैमिली फोटो के लिए इकट्ठा हुए थे। दरअसल सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया अफ्रीका समिट हो रहा है जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस समिट के दौरान तमाम देशों के नेता इंतजार कर रहे थे कि मेजबान देश के राष्ट्रपति जैसे ही आएंगे वो फैमिली फोटो के लिए तैयार थे। जैसे ही वहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आते हैं तमाम देशों के नेता सावधान हो जाते हैं और सब फैमिली फोटो के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प था कि तमाम नेताओं के बीच एक ऐसा भी व्यक्ति मौजूद था जिसने राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाया। लेकिन इन्होंने नॉर्मल कपड़े नहीं पहने थे बल्कि ये मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। ऐसे में सबकी नजर इस व्यक्ति पर पड़े कि आखिर ये कौन है और आखिर क्यों राष्ट्रपति पुतिन ने इनसे हाथ मिलाया। फैमिली फोटो के लिए मौजूद तमाम देशों के डेलीगेशंस यहाँ पर थे, लेकिन आखिर ये कौन सा देश है जहाँ से कोई और नहीं बल्कि वहाँ से कोई मिलिट्री का व्यक्ति इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आया है। तो आइए आपको बताते हैं ये कौन है। ये है कैप्टन इब्राहिम तरारो। ये बुर्किना फासो के इंतरिम प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, बुर्किना फासो का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये रशिया अफ्रीका समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और यहाँ पर कैप्टन इब्राहिम तरारे जो है वो अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में दिखाई दिए। सेंट पीटर्सबर्ग में जैसे ही ये राष्ट्रपति पुतिन से मिले, राष्ट्रपति पुतिन ने भी इनका अभिवादन किया। आपको बता दें कि बुर्किना फासो में इन्होंने लगातार दो बार तख्ता पलट करके वहाँ की सत्ता पर इन्होंने खुद को काबिज किया है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति वहाँ के नहीं हैं क्योंकि ये किसी भी चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य हैं। ऐसे में ये बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले बुर्किना फासो में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडियागो डमिबा का राज था, लेकिन उनको पद से हटाकर कैप्टन इब्राहिम तरारो ने यहाँ की कमान संभाल ली। आपको बता दें कि बुर्किना फासो और माली जैसे देशों में रूस लगातार अपनी पैठ मजबूत कर रहा है और यहाँ पर इन तमाम सरकारों को ISIS और कट्टरपंथियों से लड़ने के लिए रूस मदद कर रहा है। ऐसे में रशिया अफ्रीका समिट में रूस ने उन तमाम अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने पर काम किया। साथ ही साथ इन देशों की जरूरत को लेकर भी रूस ने अपना कंसर्न दिखाया और कहा कि रूस उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चाहे वो ग्रीन डील की बात हो या फिर कट्टरपंथियों से लड़ने की बात हो, रूस ने तमाम अफ्रीकी देशों से अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। ऐसे में कैप्टन इब्राहिम तरारो से उनकी मुलाकात जो है चर्चा का विषय बन गई क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इस पूरे फैमिली फोटो में इकलौता ऐसा व्यक्ति ये कौन है जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में है। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि ये जो है बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति हैं कैप्टन इब्राहिम तरारो।